इक्कीस तारीख को हुआ था, नहीं नहीं कल हुए तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, मस्त बिंदास हूँ, ठीक है। कॉलेज के लिए रेडी हो के भी भाई लेट हो गया मैं, ठीक है, आधा घंटा लेट हूँ। फ़ोन आ चुका है आईपीडी से, भाई कहाँ रह गया, लेट हो गया, जल्दी आ जा, काम करना है यहाँ पे। तो सीधा बिना देरी करे चलते हैं आईपीडी, ठीक है। हाँ तो भाई सुबह सुबह इनका रूटीन चेकअप कर लेते हैं, बीपी वगैरह का, बीपी लेनी है, पल्स लेनी है, टेम्परेचर वगैरह सब जाँच करनी है, तो वो कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ से पकड़ लो थोड़ा इसको ना, अच्छा ठीक है, कस के मतलब नॉर्मल पकड़ लो, कहाँ गए सारे? अच्छा 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 आप तो हो ना, ला जाओ। इक्कीस तारीख को हुआ था, नहीं नहीं कल हुए तो जी। आपकी कौन कौन सी थेरेपी चल रही है अभी? तो आज तो सब बंद है। नहीं वैसे कौन सी चल रही थी? कटी की दुकान, कटी बस्ती और गिरवा बस्ती। कितने दिन की थी? 14 दिन हो गए। 14 दिन कंप्लीट, कितने हो गए? 7 दिन। ठीक, इसके बाद भी कुछ बोला है क्या आपको? इसके बाद भी कुछ बोला है क्या? नहीं, इसके बाद भी कुछ बोला है क्या? क्या बस यही थी बस्ती वगैरह थोड़ी है? बस्ती वगैरह ना? बस्ती बस्ती है ना, तेल की काड़े की, एक दिन काड़े की एक दिन तेल की। अच्छा अच्छा वो मेरी पार्ट थोड़ी क्या? नहीं नहीं बात ऐसी है, थोड़ा कुछ बता देता हूँ मैं कि डेली जो आईपीडी में जो पेशेंट भर्ती रहते हैं ना, डेली है ना, उनका डेली रूटीन चेकअप होता है। जो भी आईपीडी में जितने भी पेशेंट हैं वार्ड के अंदर, ये मेल वार्ड है पूरा, जो भी है यहाँ पे ऊपर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ही है, ठीक है। तो मेल वार्ड में जितने भी पेशेंट होते हैं उनका डेली रूटीन चेकअप होता है, जिसमें बीपी आ गया, टेम्परेचर आ गया, पल्स आ गई है ना, वो सब चेक करना पड़ता है। और ये क्या इंटर्न का ही काम होता है, ठीक है, जो इंटर्न ही करते हैं उनका ही काम है, क्योंकि डॉक्टर तो सिर्फ राउंड पे आते हैं चेक करते हैं, बट जो इंटर्न होते हैं जिनकी इंटर्न ड्यूटी लगी होती है भाई, वार्ड के अंदर जितने भी पेशेंट हैं उनका डेली रूटीन चेकअप करते हैं। वैसे तो क्या जूनियर्स भी होते हैं, पता नहीं जूनियर्स क्यों नहीं आ रहे छुट्टी पे, बाकी अकेले भाई इतने सारे वार्ड को संभालना अकेला थोड़ा भारी पड़ जाता, थकान भी हो जाती है, ऊपर से पेशेंट भी बहुत होते हैं ना, तो
जूनियर्स होते हैं तो आधे वो ले लेते हैं, आधे हम कर लेते हैं, या फिर वो रहते हैं तो हम उनको गाइड कर देते हैं क्योंकि उनको भी सिखाना ज़रूरी है। तो ये सीन है। तो हो गए कंप्लीट सारा जितना भी रूटीन चेकअप था बाढ़ का, उनका रूटीन चेकअप करते करते मेरे को 2.5 से 3 घंटे लग गए, देख लो। ठीक है सर, बाकी देखते हैं आगे कौन से काम है वो सब बताऊँगा। और एक और बात भाई, ये जो है ना इससे एक्यूरेट नहीं आता, बट इससे लेना पड़ता है क्योंकि वो मरकरी वाले से लिया है ना, तो उससे क्या काफ़ी टाइम लग जाता है मरकरी से लेने में। मरकरी स्टेथोस्कोप लगा, स्टेथोस्कोप लगा के और जो मरकरी से लेते हैं ना बीपी, वो एक्यूरेट भी आता है और सही भी आता है, बट उससे क्या टाइम लगता है। और यहाँ पे क्या पेशेंट बहुत ज़्यादा है तो जल्दी करना पड़ता है, तो ये जो डिजिटल वाला है बीपी इंस्ट्रूमेंट इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बाकी इससे नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पूरा दिन भाई इन्हीं वार्डों के अंदर दिन निकल जाता है हमारा, उनको देखने में, दवाई देने में, डिस्चार्ज में। लिखा है करना है। अरे उन्होंने कहा है कि चेक कर लेना 3 टाइम टेम्परेचर। ठीक है, लो लगा उसको। कहाँ पे? बगल में लगा लो। हल्का सा है बस। ठीक है, थोड़ी देर बाद और आता हूँ चेक करने। ठीक है, ज़्यादा थोड़ी हो रही है, मतलब पेन वेन वगैरह कुछ इतना नहीं है। नहीं नहीं इतना, ठीक है थोड़ी देर बाद और आता हूँ। ठीक है ठीक है, आपका भी करना है। लो मैडम ने बोला, ठीक आपका भी कर लेते हैं। लगाओ किधर लगाओ? हाँ लगा लो, किधर भी लगा लो। ये हॉस्पिटल का खाना कैसा लगता है आपको? सही है ना, ये पेशेंटों के लिए बनाते हैं। स्वादिष्ट लगता है। हाँ स्वादिष्ट, वैसे हॉस्पिटलों के मुकाबले तो बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, यहाँ की व्यवस्था पूरी अच्छी है। नहीं अच्छी। और बाकी एक बार SMS में जाके देखना आप। 2018 से आता हूँ, 2018 में भी करके गया था। नहीं नहीं सच में आपके स्टाफ वगैरह डॉक्टर वगैरह सारे अच्छे से बात करते हैं। नहीं नहीं सही है, तो और यही खाना चाहिए जब तक आप एडमिट हो, तभी सही होंगे आप। नहीं पहले एडमिट नहीं था ना। अच्छा, अभी मैं यही खा रहा हूं मरीज साहब। अच्छा अच्छा ठीक है, बढ़िया। मिर्ची मसाला तेज ऐसे भी। नहीं नहीं अभी जब तक यहाँ पे एडमिट हो यही खाना खाया करो आप। हाँ तो भैया आधी मजदूरी अपनी हो चुकी है ख़त्म, मतलब लंच वगैरह हो गए, खाना वाना खाएंगे मस्त, क्योंकि 1:30 बज चुका है और हालत ख़राब हो जाती है IPD के अंदर। ठीक है, तो खाना वाना खाते हैं, अकेले ही हैं भाई। अकेले इंटर्नशिप करनी पड़ रही है, क्या करें। ठीक है, खाना वाना खाते हैं, वापस जो बची हुई मजदूरी अपनी ड्यूटी है वो पूरी करते हैं। और खाने में आज अपने पास भाई सोयाबीन की सब्जी, ये थोड़े सलाद वगैरह हैं, पराठे हैं और नमकीन है। ठीक है, ये भी मैंने कैंटीन से पैक करवाई है। पराठे मैं घर से लाता हूँ क्योंकि सुबह सुबह सब्जी बनाने में जोर आता है, सही बताऊँ तो मेरे को भी, और मैं मम्मी को बोलता भी नहीं कि बनाऊँ फालतू सुबह सुबह, क्योंकि 6 बजे उठना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि हॉस्टल लेके तो मैं रहता नहीं हूँ, तो ट्रैवल में इसमें समय लग जाता है। तो बाकी मैं चीज़ें बाहर से लाता हूँ। ठीक है, खाते हैं। तो आगे भाई अपनी बची कुची मजदूरी पूरी करने। कितना टाइम हो गया? 2:23, 5 बजे तक की ड्यूटी है। नमस्ते अंकल जी। ठीक है, करते हैं पूरी। कौन सी दवाई ख़त्म हो गई है दिखाना। करो मस्त, ठीक है लिख देंगे, अभी ऐड कर देंगे, जाओ। अब शाम का भी अलग से रूटीन चेकअप होता है, उसमें
पेशेंट का वही बीपी देखते हैं इससे, ठीक है। फाइलें भरते हैं, पल्स रेट देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, जो डेली रूटीन का जो चेकअप होते हैं ना, सुबह शाम दोनों होते हैं। इसके अलावा एक और काम होता है, शाम के समय दवाइयाँ बांटते हैं पूरी दिन की, मतलब रात की मैं सुबह और दिन की, फिर अगला दिन होगा शाम को फिर दवाइयाँ बांटेंगे। मतलब हालांकि जो दिन में जो डॉक्टर होते हैं वो राउंड करके जाते हैं, तो पेशेंट को देख कर, उसकी हालत को देख कर, है ना, जो फाइल होती है इसी में सब कुछ मेंशन करते हैं भाई कौन सी दवाई ऐड करनी है, कौन सी दवाई बंद करनी है, और जो हमारे बीपी वगैरह का जो डेली रूटीन का था वो भी इसी में ही नोट होता है डेली का। तो अभी का तो थोड़ी फाइलें चेक करनी है, राउंड चेक करना है, हाँ भाई कौन कौन से डॉक्टर ने दवाई लिखी है वो मतलब लिख के उनको दवाई देंगे। इसके साथ फाइलें कंप्लीट होती, फिर एक एक करके हाँ आप बेड पे चलो, आप बेड पे आ रहे हैं बेड पे, ठीक है। फिर इससे बीपी लेना शुरू करेंगे, इसी के साथ फिर देखते हैं, अभी तो फाइलों का हम कंप्लीट करते हैं। अब ये जितने भी फाइल हैं वार्ड में पहुंचानी है, बेड नंबर ये हो गया, जितनी भी है ना, मतलब यार क्या बताऊँ, ऐसे कामों भाई मेरे मेरे जूनियर की बहुत याद आती है, फाइलें मतलब फाइलें जमा करने में, फाइलें भरने में, काश वो होते तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती मेरे को, ठीक है। तो करते हैं भाई, लग जाते हैं काम पर, अपने को करना पड़ेगा, अपना ही काम है, ठीक है। फाइलें भर दी, फाइलें चेक कर ली, अब ले लेते हैं भाई बीपी पेशेंटों का। हाय 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 हाय, आज का अपना आखिरी काम, पेशेंटों को दवाइयाँ बांटनी है। ये पुड़िया बनाते हैं, इसमें दवाइयाँ होती है आयुर्वेदिक, ठीक है। बेड नंबर लिखे हुए थे 137 139 ऐसे, तो ऐसे ही हर वार्ड में जाके पेशेंटों को दवाई देते हैं। ले भाई, पता तो है ना कैसे लेनी है, पता तो है ना कैसे लेनी है, बस फिर क्या दिक्कत है, ये लो। एक 140 ये कहाँ गए, तो फाइनली भाई आज की मजदूरी अपनी ख़त्म हो गई। आज बालों के इतनी सी हो रखी है, पता नहीं कैसे क्या हो रखा है और हालत ख़राब हो गई। लाइब्रेरी आके बैठा हूँ थोड़ी देर, ये लाइब्रेरी है हमारी, ठीक है। एक बुक थी वो इशू करवानी है मेरे को, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है हमारी, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इंटर्न भी कम्प्लीट होने वाली है, 2 महीने बचे हुए हैं बस, उसके बाद कम्प्लीट फिर तैयारी करेंगे, देखते हैं क्या सीन होता है। तो थोड़ी देर यहाँ बैठा हूँ, फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि चार्जर भाई इसका ज़्यादा चलता नहीं, आईफोन है, बस इसी का रोना है, बाकी तो एक नंबर चीज़ है यार ये वीडियोस के लिए। प्रोसेस क्या नाम है इसका प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, गेमिंग भी अच्छी होती, सब कुछ अच्छा, बट ये बैटरी में रोता है, बहुत दुखी हूँ उस चीज़ से। तो भाई आज बहुत थकाने वाला दिन था, और सच बताऊँ लंच पहले बता दूँ, मेरे को आती है इंग्लिश, बट जो मेरे मदर टंग है ना उसकी वजह से कुछ कुछ वर्ड नहीं बोल पाते, तो मेरे को लंच बोल होता, वैसे अगर मैं जोर लगा के बोलूँ वो लंच होता है, बट मैं अगर नॉर्मल में बोलूँ तो लंच होता है। तो ये होता है मदर टंग प्रॉब्लम है, तो कुछ कुछ वर्ड हिंदी के हो या इंग्लिश के बोले नहीं जाते। तो सच में आज का दिन बहुत थकाने वाला था, जूनियर आ नहीं रहे, अकेले पूरे वार्ड को संभालना पड़ता है, एक इंटर्न हूँ उसी में ही दवाइयों का देखना पड़ता है, फाइलों का देखना पड़ता है, उसका डेली रूटीन चेकअप करना पड़ता है, बीपी देखनी पड़ती है, पल्स देखनी पड़ती है, टेम्परेचर, वो भी सुबह शाम, कोई ना। तो ऐसा था आज का दिन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना,
और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे अगले ब्लॉग के अंदर।